हेलो जी, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉन्ग्स के पोस्टर्स के बारे में। आज से 1-1.5 साल पहले की बात है, उस टाइम पे मैं काफ़ी ज़्यादा सॉन्ग्स के पोस्टर्स क्रिएट करता था एंड इसके बारे में मेरे को थोड़ी बहुत नॉलेज है और मेरे को लगा कि यार ये नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक एडिटर हो तो आपके लिए सॉन्ग्स पोस्टर बनाना उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो अगर आपको टेक्निक पता हो कि किस टाइप से आपको उसको क्रिएट करना है, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज के टाइम पे आपने देखा ही होगा कि जो पोस्टर्स ट्रेंडिंग में चल रहे हैं उनकी जो थीम होती है वो थोड़ी सी ब्लैक एंड वाइट होती है, उसमें जो कलर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं या वो पेपर स्टाइल पे होते हैं कि पेपर फटा हो या मतलब कुछ इस टाइप का चल रहा है आजकल, तो उस टाइप का आज मैं आपको एक पोस्टर क्रिएट करके दिखाऊंगा। सो उसके लिए हम सबसे पहले अपनी फोटो को फोटोशॉप में ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी फोटो को फोटोशॉप में ओपन कर लिया है एंड ये मैंने थोड़ी क्रॉप कर लिया है, इसलिए साइडों में ये ब्लैक बार आपको नजर आ रही है। फोटो को ओपन करने के बाद मैंने इसमें सबसे पहले अपनी फोटो की लाइटिंग को सेट किया, फिर मैंने थोड़ा सा लिक्विफाई से एडजस्टमेंट की हेयर वगैरह की, देन फिर मैंने स्किन को रिटच किया एंड यही सब करने के बाद मैंने अपनी फोटो की पेन टूल से कटिंग कर ली यहाँ पे। अगर ये सब मैं बेसिक एडजस्टमेंट रिटचिंग वगैरह आपको करके दिखाने लग जाता तो यार वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती। इन सभी पे मैंने वीडियो बना रखी है तो वो आप देख सकते हो अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती। जो रिटचिंग वाली लेयर है जिसमें हमने हेयर सेट किए, लाइटिंग सेट की, स्किन को रिटच किया, वो सभी लेयर्स को हम सिलेक्ट करेंगे एंड उनको एक ग्रुप में ऐड कर लेंगे। सो मैं यहाँ पर सभी लेयर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन फिर मैं कंट्रोल प्लस जी दबा के इनको एक ग्रुप में ऐड कर लेता हूँ एंड इसको मैं यहाँ आई के बटन पे क्लिक करके इसको डिसेबल कर देता हूँ एंड अब स्टार्ट करते हैं हम अपना असली प्रोसेस। सबसे पहले मैं अपनी फोटो में एक बैकग्राउंड को ऐड करूँगा। बैकग्राउंड हमारा कुछ इस तरीके का, इसमें ब्लैक सा टेक्स्चर है तो मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ ऐसे एंड इसका साइज़ मैं यहाँ से ऊपर से आप देख सकते हो एंड मेक श्योर जो बीच में विड्थ और हाइट के बीच में जो ये बटन है इसको आप ऑन रखें। इससे आपका क्या होगा कि आपका विड्थ और हाइट एकदम सेम काम करेगी, चाहे आप उसको बड़ा करो या छोटा करो। सो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। बैकग्राउंड वाली लेयर को मैं मेन लेयर के नीचे रख देता हूँ एंड बैकग्राउंड में हम एक टेक्स्ट ऐड करेंगे जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। सो आप यहाँ पर किसी भी आर्टिस्ट का नाम या कुछ भी आप ऐड कर सकते हो। सो जैसे मैं यहाँ पर अपना नाम ऐड कर देता हूँ। सो ये ऐड होने के बाद हम इसको पोजीशन कर लेंगे। हाँ बिल्कुल सही है, ये सही है बिल्कुल। एंड एक बार हम ऑन करके देखेंगे तो यहाँ पे हम इसको रखते हैं एंड फिर मैं ऑफ कर देता हूँ। फिर इस टेक्स्ट की 3 कॉपीज़ हम और बनाएंगे, इनको इसके नीचे नीचे लगा देंगे, 1, 2 एंड 3। तो ये थोड़ी सी इधर करते हैं। अब हमारे पास टेक्स्ट की टोटल 4 लेयर्स हो गई हैं एंड इन सभी 4 लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे एंड फिर एक ग्रुप में ऐड कर देंगे कंट्रोल प्लस जी दबाकर। एंड अब ग्रुप सेलेक्ट करके इस पर हम एक मास्क ऐड करेंगे, यहाँ नीचे से आप इस पर मास्क ऐड कर सकते हो। मास्क ऐड होने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास एक बॉक्स आ गया है जो कि मास्क का है एंड फिर आपको यहाँ से ग्रेडियंट टूल चूज़ कर लेना है। जो कलर होगा मेक श्योर आपका ब्लैक ही हो एंड इसको नीचे से ऊपर की तरफ आपको ऐसे ड्रैग करना है, लाइक ऐसे आप एक बार और कर सकते हो। हाँ इतना सही है। देन फिर अब आपने क्या करना है कि अब जो ये आइकन है ग्रुप के ऊपर आइकन एक फोल्डर का बना रखा है, इस पर क्लिक करके आपको राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन चूज़ कर लेना है। ब्लेंडिंग ऑप्शन चूज़ करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अंडरलाइंग एयर एंड यहाँ पे आपको 2 तरफ स्लाइडर मिल जाते हैं, एक ब्लैक तरफ और एक वाइट तरफ। ब्लैक तरफ वाले आपको स्लाइडर पर आपने एल्ट दबा के क्लिक करके उसको दूसरी तरफ लेके जाना है एंड इससे जो आपका टेक्स्ट होगा वो थोड़ा सा फेड हो जाएगा, मतलब बैकग्राउंड के साथ वो मिल जाएगा कुछ इस तरीके से एंड इसको भी आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। सो ये आप अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग आपको कितना टेक्स्ट विजिबल रखना है, कितना नहीं रखना है, कितना फेड करना है, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो एंड फिर आपको यहाँ से इसको कर देना है ओके। सो अब आप देख सकते हो जो हमारा बैकग्राउंड है वो काफ़ी ज़्यादा ऑसम लग रहा है एंड फिर यहाँ पर मैं अपनी मेन लेयर को ऑन कर लेता हूँ। सो मेन लेयर को ऑन करने के बाद हम मेन लेयर को भी अब ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर देंगे जिससे वो बैकग्राउंड के साथ मैच हो जाए। सो उसके लिए हम चलते हैं कैमरा रो फिल्टर में। सो पहले हम इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लेंगे ताकि हम कैमरा रो फिल्टर बाद में भी यूज़ कर सकें अगर हमें कुछ छेड़ना वगैरह हो। अब हम इसका वाइब्रेंस को बिल्कुल कम कर देंगे, थोड़ा सा कंट्रास्ट को ऐड करेंगे, हाईलाइट को थोड़ा बढ़ाएंगे और वाइट को भी थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा लेंगे एंड फिर यहाँ से कर देंगे इसको ओके। बट हेयर्स के ऊपर आप देखो कि एकदम वाइट वाइट कलर आ रहा है तो उसको सेट करने के लिए हम एक न्यू लेयर ऐड करेंगे, अपने हेयर्स पे जूम करेंगे,
फिर ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे एंड ब्रश का कलर हम ब्लैक सेलेक्ट करेंगे, आप हेयर स्प्रे से भी उठा सकते हो जो, एंड जो न्यू लेयर क्रिएट किया है हम इसको क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर देंगे राइट क्लिक करके। अब ये लेयर है वो आपके मेन लेयर के ऊपर ही वर्क करेगी, उसके साइडों में कहीं पे भी नहीं वर्क करेगी आप देख सकते हो। एंड अब हम ये अपने हेयर्स पे पेंट कर देते हैं यहाँ पे, एंड पेंट करने के बाद अब इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर दो इतने, एंड फिर अब आप जूम आउट कर दो। सो अब आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर आपके हेयर्स जो वाइट हो रहे थे, जो अलग से चमक रहे थे, वो सेट हो गए हैं। इसके बाद हम एक PNG ऐड करेंगे। जो भी बैकग्राउंड और PNG वगैरह मैं यूज़ कर रहा हूँ उन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ये PNG एक रिप्ड पेपर की PNG है, सो इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। एंड जो ये साइड का पार्ट है ये वाला, सो इसको आप इरेजर से भी रेज कर सकते हो या मास्क बना के भी रेज कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। सो अब हम क्या करेंगे, इस लेयर की एक और कॉपी बनाएंगे जो ये PNG वाली है। Ctrl+J दबाने से एक कॉपी और बन जाएगी, एंड फिर आप इसको ड्रैग करके इस तरफ ले आएँ, एंड अब आप इसको इस तरफ एडजस्ट कर लें। सो अभी हमने जो ये PNG लगाई है काफ़ी अच्छी लग रही है, बट असली काम इनका भी बाद में आपको नज़र आएगा। सो एक लेयर आप फिर क्रिएट करो एक, एंड फिर से ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करो और कलर आपका ब्लैक होना चाहिए। अब नीचे से ऊपर की तरफ कर दो ऐसे। सो कलर प्रॉपर ब्लैक हम चूज कर लेते हैं यहाँ से, एंड नाउ दिस इज अमेजिंग। सो अभी तक हमारा पोस्टर काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी तक हमने जो वर्क किया है वो हम एक लेयर में मर्ज कर लेते हैं। उसके लिए आपको शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+Alt+E। सो ये प्रेस करने के बाद आपके पास एक लेयर बन जाएगी जो कि आपकी सभी नीचे वाली लेयर्स को मर्ज होके बन जाएगी। सो नीचे की लेयर्स को मैं एक ग्रुप में ऐड कर लेता हूँ। अब हम एक पेपर की PNG ऐड करते हैं एंड फिर इसको एडजस्ट कर लेते हैं। सो अब अगर आपको इसको मैन्युअली एडजस्ट करना है तो ये बीच वाला जो आपने ऑप्शन है विड्थ और हाइट के, इसको अनचेक कर दो एंड यहाँ से इसको ऊपर की तरफ लेके चलते हैं। इसको यहाँ से थोड़ा सा नीचे कर देते हैं एंड कर देते हैं इसको टिक। सो पेपर वाली लेयर को मेन लेयर के नीचे लेके आना है, देन फिर आपको जो मेन लेयर है सबसे टॉप वाली लेयर है उसको राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर देना है। अब ये करने के बाद आपको एक बैकग्राउंड से नीचे वाली लेयर पे सेलेक्ट करना है एंड यहाँ से एक सॉलिड कलर लेयर ऐड कर लेनी है। जो भी कलर आप यहाँ पे रखना चाहते हो बैकग्राउंड में वो रख सकते हो। मैं थोड़ा सा ग्रे और वाइट के बीच का रख लेता हूँ एंड यहाँ से इसको करते हैं ओके। सब आप देखो कि हमारा जो पोस्टर का डिज़ाइन है वो ऐसा लग रहा है कि कहीं ज़मीन पे एक पेपर पड़ा है, वो हमारी फ़ोटो है एंड वो थोड़ी सी साइडों में से फटी हुई है। बट जो हमने यहाँ पे रिप्ड पेपर की PNG लगाई है वो बैकग्राउंड के कलर से मैच नहीं हो रही। सो उसके दो तरीके हैं, या तो आप इसको इरेज कर सकते हो मैन्युअली, बट उससे अच्छा तरीका मैं अभी आपको बता देता हूँ। एंड जहाँ पे ये लेयर है उसको आपने सेलेक्ट करना है। सो ये वाली लेयर थी, पहले मैं इन दोनों लेयर्स को मर्ज कर लेता हूँ Ctrl+E दबाकर। अब आपको इस लेयर के थंबनेल पे कंट्रोल दबा के क्लिक प्रेस करना है तो ये आपकी जो PNG आपने लगाई है ये सिलेक्ट हो जाएंगी। एंड सबसे टॉप पे लेयर सेलेक्ट करनी है आपने, एंड एडजस्टमेंट लेयर में जाके आपको सॉलिड कलर की एक लेयर ऐड करनी है, एंड बैकग्राउंड में जो कलर आपने ऐड किया वही आप ऐड कर लो यहाँ से सेलेक्ट करके, एंड इसको कर दो यहाँ से ओके। पोस्टर का जो डिज़ाइन हमने बनाना था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम सभी लेयर्स को मर्ज कर लेते हैं एंड फिर हम इस पर कलर ग्रेडिंग करेंगे। सो चलते हैं कैमरा रो टूल में। सो कैमरा रो फिल्टर में आने के बाद आप अपनी हिसाब से इस पर कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। इसमें कलर्स तो है नहीं तो इसलिए आप कलर्स के साथ ज़्यादा खेल नहीं सकते, बस इसमें आप कलर्स को ऐड कर सकते हो। सो उसके लिए चलते हैं कलर ग्रेडिंग में, शेडोज़ में। सो यहाँ से सैचुरेशन थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं एंड जो कलर आपको यहाँ पे ऐड करना है, जो अच्छा लग रहा है वो आप ऐड कर सकते हो। सो मेरे हिसाब से ये ब्लू और सियान के बीच में जो कलर है वो सही है, एंड थोड़ी सी ल्यूमिनेंस कम कर देते हैं, कंट्रास्ट बन जाएगा थोड़ा सा। हाईलाइट में हमें कलर ऐड करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, ल्यूमिनेंस को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। मिड टोन में हम थोड़ी सी स्किन का कलर ऐड कर लेते हैं अराउंड ये वाला, एंड ल्यूमिनेंस भी थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। और कर्व्स के थ्रू भी आप इसमें कलर्स को ऐड कर सकते हो जैसे आपको सही लगे, एंड अब हम इसको करते हैं यहाँ से ओके। सो कलर ग्रेडिंग भी हमारी फ़ोटो में हो चुकी है, बस अब आप इसमें सॉन्ग का नेम ऐड कर सकते हो, क्रेडिट वगैरह ऐड कर सकते हो। ये सब ऐड करने के बाद आपका पोस्टर कुछ इस तरीके का लगेगा। पोस्टर का रिजल्ट जो आया हमारा वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग आया है। बट अगर आप चाहते हो कि आपको एक पोस्टर में दो सब्जेक्ट ऐड करने हैं, मतलब दो बंदों की फ़ोटो लगानी है, तो आप कुछ इस टाइप का ट्राई कर सकते हैं।
सो देखा आपने कितनी आसानी से हमने कितना क्रिएटिव पोस्टर एक तैयार कर लिया है। एंड इस टाइप के पोस्टर्स में आप काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी से काम कर सकते हो, आप अपनी क्रिएटिविटी से काफ़ी चीज़ें इसमें ऐड करके इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक दे सकते हो। सो अगर आप चाहते हो कि मैं और वीडियोज़ लॉन्ग सॉन्ग्स के पोस्टर्स के ऊपर पूरी डिटेल में कि कैसे आप डील करें, कैसे आप सोचें कि क्या आपको डिज़ाइन क्रिएट करना है, वो सब आपको मैं एक वीडियो में बता दूंगा। अगर आप चाहते हो तो यार कमेंट कर दो नीचे, और अगर वीडियो आज की आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसा ही और कंटेंट देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।